छप्पर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मेरे साथ है प्रतीक भाई, और प्रतीक भाई की गाड़ी होने वाली, थोड़ा दिखाओ। तो भाई अभी प्याज लेके आए हैं और इसके अंदर हम एग्जॉस्ट का काम करवा रहे हैं। एक नॉर्मल जो हमारा पाइप वाला एग्जॉस्ट आता है, हम वो इंस्टॉल कर रहे हैं। एक बार लेके चलते हैं, कैसे काम हो रहा है थोड़ा सा दिखाओ। फिलहाल के लिए इंस्टॉल हो गया, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग दिखा दो, बाकी इसके बाद वीडियो स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से इस गाड़ी के अंदर काम हो रहा है। तो बेसिकली हमारी प्याज के अंदर काम शुरू हो चुका है, जिसमें भैया अभी हमारा बम्पर कट कर रहे हैं, जो कि कट करना ही पड़ता है अगर आपको ये चीज इंस्टॉल करनी है। तो भैया इसको कट करने में मतलब कुछ खराबी तो नहीं होती? ऐसा खराबी होती, बल्कि मेक टू फिट आता है, कंपनी से था, कंपनी से लग के आया। हाँ नॉर्मल तो आप लगे, अब ये चीज देखो ऐसा लगा हुआ, ऐसे लग रहा है कि कैसे लग रहा है, बेकार नहीं लगा रखा। और भैया अभी प्रोफेशनली इसको ऐसे लगा देंगे कि पता भी नहीं चलने वाला कि इस गाड़ी में कुछ कट भी हुआ था। हाँ मिड टू फिट। एंड इसके साथ साथ भैया ने अभी जो भी पाइप वगैरह लेके आएंगे वो चीज दिखाने वाला हूँ। एक बार आप देख लो साइलेंसर गैराज, और क्या नंबर रहने वाला है आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश होता रहेगा। इसके साथ साथ आप इसको एक बार चेकआउट कर लो। तो ये चीज हम इसमें इंस्टॉल कराने वाले हैं। और इसके बाद जो डीजल गाड़ी हमारी बेसिकली वीडीआई है, वीडीआई प्लस है, तो इसमें क्या साउंड रहने वाली है एक्सपेक्ट तो कुछ अच्छे ही कर रहे हैं, भैया ने बताया कि मजा आ जाएगा। तो बेसिकली जो पाइप है हमारा वो यहाँ से कट कर दिया, और इसके आगे दूसरा एक स्ट्रेट पाइप लगेगा, और कोई पाइप अभी लाइक दिस इस तरह कुछ पाइप लगने वाला है। और उसके बाद हमारा ये टिप लगेगा, देन दिखाता हूँ क्या साउंड इसकी होने वाली है इसके अंदर। बेसिकली अभी हम इसकी ये पट्टी लगा रहे हैं ताकि इतना स्पेस इसके नीचे रह जाए, जहाँ पे हमने कट किया है वहाँ तक आ जाए, और वेल्ड किया जा रहा है। तो भाई अब अपनी गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट का काम पूरा हो चुका है। तो ये चीज जो है अभी जैसे आपने सुना, एक बार दोबारा बंद करके दोबारा स्टार्ट करवाओ, बंद करके दोबारा स्टार्ट करना। एक पॉप सा होगा हल्का सा, एक छोटी सी, एक घड़घड़ सी होगी, तो वो देखना है कैसी आवाज है। ये स्टार्ट होने पे डीजल गाड़ी में आवाज आ रही है, एक बार मैं इसका एक्सेलेरेटर करवाना, एक बार बेसिकली बेस्ट साउंड उसके अंदर मिल रही है हमें डीजल में। तो एक बार भाई से पूछता हूँ, प्रतीक भाई से, भाई कैसी लग रही है साउंड आपको? एक नंबर, एक नंबर लग रही है। मानव ये देखो फिर से आ गए, ये फिर से आ गया। तो मानव एक बार बता भाई कैसी लग रही है? मानव ने पूरा इसका एक्सपीरियंस लिया अंदर बैठ के, बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस है आवाज। और अंदर बैठ के कैसा लग रहा था? अंदर बैठ के ऐसा लग रहा है कि जैसे रॉकेट की आवाज, रॉकेट की। तो एक बार अंदर की साइड चलते हैं और एक बार अंदर से देखते हैं साउंड कुछ हमें सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। आओ भाई, प्रतीक भाई। तो बेसिकली अभी अंदर से जो साउंड होने वाली है, एक बार मैं शीशा नीचे कर देता हूँ, पीछे वाला शीशा नीचे कर देना। हाँ तो एक बार रेस देना आप, दो। तो अंदर बेसिकली हमें इतना पता नहीं चल रहा, इवन आगे से अगर आपके सामने कोई पुलिस वाला भी आ जाएगा तो उसको भी इतना नॉलेज नहीं मिल पाएगी कि इस गाड़ी के अंदर हमने एग्जॉस्ट लगवा रखा है। और ऑसम लग रहा है, आप बता रहे मुझे कमेंट करके कि किस तरह का आपको लगा। बेसिकली हमें तो बढ़िया लगा। बेसिकली अभी हमारी गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट लग चुका है, और विनी भैया हमारे साथ है जिन्होंने हमारी गाड़ी के अंदर काम कर दिया, और साइलेंसर गैराज से भैया होने वाला है। किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट है इस तरह के एग्जॉस्ट की, या पेट्रोल गाड़ी किसी के पास है तो वो भी भैया के पास आ सकते हैं। सेकेंडली भैया इसमें क्या खर्चा हो जाता है इस चीज़ को, एक बार थोड़ा सा आप बताओगे? भैया डीजल कार थी तो पाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कई लोग पाइपिंग कट देते चेंज, रिक्वायरमेंट कभी नहीं होती थी। फ्रेंकली बताऊँ मैं, वो डीजल की पाइपिंग 2.0 आती है, तो इसमें रेजोनेटर भी नहीं था, सिर्फ एंटी डिलीट किया, स्ट्रेट पाइप डाल के हमने डबल टिप लगा दिया। इसमें साउंड जो बेस्ट है
इससे ऊपर आप साउंड ऊपर कोई देख सकता नहीं। मुझे तो सबसे ज्यादा जो मजा आ रहा है वो जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, जो तो एक सेकंड का जो बर्फ आता है वो उसका फील बहुत अच्छा लग रहा है वो चीज। तो प्रतीक भाई कैसा लग रहा है, मतलब भैया ने कैसा काम करके दिया आपको? विनी भैया का काम एकदम एक नंबर का लगा यार, एंड मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी भी साउंड आ सकती है मेरी इस गाड़ी के अंदर, बट ऑल थैंक्स टू भैया। और भैया ने बहुत ज्यादा रीजनेबल जो प्राइस होता है ना, बहुत अच्छे प्राइस में हमें करके ये चीज दे दिया। इवन अगर आप भी आते हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे इस प्राइस से अच्छा भी कुछ हो सकता। तो भैया एक बार थोड़ा सा प्राइस आप बताओ कि किस प्राइस तक में ये जो हमारी डीजल गाड़ी में हमने किया, किस प्राइस आपकी रेंज स्टार्ट होगी? अगर नॉर्मल डीजल कार से जिसमें रेजोनेटर नहीं लगा, मोस्टली लगा नहीं होता, तो पीछे अगर स्टेटमेंट करते हैं और डबल टिप डालते हैं तो इसके ऊपर होता है। इसमें स्टार्टिंग हुई थी 4500 to 7000-8000, डिपेंड ऑन टिप्स कौन से लगाते हो। टिप्स आप नॉर्मल भी लगाओ या एक्सपेंसिव लगाओ, साउंड दोनों में सेम रहने वाली है, जस्ट फॉर द लुक यू स्पेंडिंग मोमेंट, दैट्स इट। बेसिकली भैया ने जो प्राइस बताया था कि 4500 to 7000 or 8000 में हो जाता है, इसके अंदर डिपेंड करता है कि आप सिंगल टिप लगवा रहे हो या डबल लगवा रहे हो, उसके बाद कुछ अलग अलग आते हैं। एक बार थोड़ा सा ये दिखाओ जो हमने लगवाया, इस वाले का प्राइस भैया ने बताया है कि वो अराउंड 5000-6000 के अराउंड ये प्राइस रहेगा, अराउंड 5000 आपको मैं फिटिंग करके मिल जाएगी। सेकंड चीज ये कि इसके अलावा जो और टिप्स होते हैं, मैं एक बार लेके चलता हूँ अंदर और वो टिप्स भी मैं चेक करा देता हूँ कि किस तरह की होती है, उनका प्राइसिंग कैसे कैसे इंक्रीज होता है। इवन अगर आपको कोई स्पेशल चाहिए आप उसकी भैया के पास फोटो लेके आओ कि ये वाला मुझे चाहिए भैया, वो मंगवाओ, हम मंगवा रहे हैं। तो भैया एक बार आप मुझे ये चीज बताओ, जैसे हमने यहाँ पे इसको डबल टिप का लगवाया है, इसमें और किस तरीके से ये चीज लग सकता है या और कितने हम इसके अंदर इंस्टॉल करा सकते हैं? इसको हम चाहो तो आप इसके अंदर लेफ्ट साइड में कॉल सेटअप क्वार्टर सेटअप, क्वार्टर सेटअप होता है, लेफ्ट साइड दोनों होगा, क्वार्टर होगा, मगर ये मिथ है कि यार साउंड बढ़ जाती है, साउंड कमी बढ़ती है, इंजन तो हमने साउंड निकाल रहा है। तो ये चीज भैया ना एक्जैक्टली मतलब बढ़िया जो चीज बताते हैं ना, बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज की वो हमें गाइड कर रहे हैं कि इसमें साउंड नहीं बढ़ेगी आपकी, इसमें जस्ट वो लुक देगा, एक एक थोड़ा सा सराउंडिंग सा आप मान सकते हो, लेकिन पैसे खराब करने वाले बात है। अगर आपको सीधा जाना है तो पेट्रोल गाड़ी है तो उस पर भैया थोड़ा सा बहुत अगर बता भी देंगे। अगर लुक चलेगा तो लुक से लगाते हैं कि यहाँ पे आपको वर्किंग करते हैं या डमी लगा दिया, क्वार्टर लुक चाहिए डेडली मच बेटर। अगर वर्किंग के लिए कहते हो तो पैसे ज्यादा स्पेंड कर रहे हो और साउंड बल्कि जो नॉर्मल एक सिंगल टिप में डबल टिप में एक साइड से आ रही है और कम होने वाली है अगर आप उस साइड भी लेते हो। तो बेसिकली अगर आपको किसी को भी अगर करवाना है साइलेंसर गैराज पे, विनी भैया के पास आओ, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, ठीक है, बार बार जो नंबर आ रहा है फ्लैश करके आप उसको देख के नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, भैया आपको उस पर रिप्लाई भी करेंगे। क्या कॉस्टिंग रहने वाली है वो सब चीज़ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।